किया जा रहा है। गोगी पुत्र, तू आज कॉलेज नहीं गया? वो पहला लेक्चर फ्री था, हूं मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा। फ्री था या बंक मारा बाप रहा? आप लोग टंडन करेक्ट टाइम पे आए हैं, हम लोग अभी नाश्ता करने ही जा रहे थे। आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं परजाई जी, आप रहने दीजिए, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। वो हाँ परजाई जी, और टंकी फुल है, पीने तक की जगह नहीं है। राजी की कह रहे हो? मतलब की पानी लस्सी पीने तक की जगह नहीं। अच्छा है। ओ, आओ जी हम बैठे सारे। ओ, सोडी तू खड़ा क्यों है? और तू ही नाश्ता कर ले। नहीं यार, मैं नाश्ता नहीं करना। ओ सोडी, क्यों है, सारा कुछ चंगा है ना? हाँ हाँ सब चंगा है, लेकिन रोशन सुबह से कुछ मुरझाया मुरझाया सा है। दसो ना पापा, आपका मूड टायर की तरह पंचर क्यों है? क्योंकि इस साल मैंने बड़े उत्साह से सोचा था कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के 550 साल प्रकाश उत्सव के लिए हम सब मिलकर करतारपुर साहिब जाएंगे। वहाँ पे सात संगत इच बैठ के नाम सिमरन करेंगे, गुरु महाराज की गुरबानी का कीर्तन गायन करेंगे, सेवा करेंगे, ये सबका मिलकर आनंद लेंगे। पर अभी हम लोग करतारपुर साहब नहीं जा पाएंगे। अब तेरे एग्जाम आ गए हैं तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, और तुझे पढ़ाने के लिए तेरी मम्मी को यहाँ रुकना पड़ेगा, और मुझे तो पता ही है ना, रोज मासी जी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बुरे फंसे हैं कि हम करतारपुर साहब नहीं जा पा रहे। ओए सोडी, ओए सारे सिख भरा करतारपुर साहब जाना चाहते हैं। हाँ। ओ लेकिन हर कोई जा पाए मुमकिन नहीं है ना? हाँ, ओ हम सब भी किसी ना किसी कारण के करतारपुर साहब नहीं जा पा रहे हैं ना? क्यों? लेकिन मायूस हुए बिना तेरे से यही बात करने आए हैं कि इस ऐतिहासिक गुरुपुरब को कैसे मना सकते हैं। तो अकाल पुरख के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और फिर जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो असि सारे इकट्ठे जावांगे ना करतारपुर साहब। बिल्कुल पाजी, तुसी अरदास करो कि छेती तो छेती सानू सारे नु बुलावा आए। अरे अरदास तो मैं रोज करना वीरे, आजकल रोज सवेरे में प्रभात फेरी ते भी जाना। पर तेनु पता ना, अगर असि करतारपुर साहब जांदे उते सात संगत इच बैठ के गुरु महाराज दा नाम सिमरन कर दे, गुरु महाराज दी कृपा सदका गुरु महाराज दा कीर्तन गायन कर दे, सेवा कर दे, ए नहीं सब कर पा रहे तो बड़ा अधूरा अधूरा फील कर रहे हैं मैं। ओ सोडी भरा, जिथे रब दा ना लिता उथे तीर्थ स्थान। वो गल तेरी ठीक है बल्लू, पर तू कहना की चाहना यार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू संगत सेवा और कीर्तन का लाभ लेना चाहता है ना, तो तू यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों नहीं ले लेता? भाई गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज का कीर्तन आयोजित करके, कीर्तन गुरुओं की वाणी, और वाणी का आनंद लेने के लिए जगह नहीं भावना की जरूरत होती है। फिर कीर्तन करतारपुर साहिब में सुनो, या दरबार साहिब में, या फिर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में सुनो, भाई वाणी तो वाणी। सब ते बड़ा सतगुर नानक जिनका। रोशन, पल्लू भाई की बात टंडन साची छे, इसी बहाने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की फैमिली भी कीर्तन का लाभ उठा पाएगी। ओ करेक्ट है क्या, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। ओए पल्लू यारा, तू तो तिलक पापा, अब तो आपके मूड का पंचर ठीक हो गया है ना? मूड का पंचर ठीक नहीं हो गया, नवे टायर लग गए। थैंक यू यारो, थैंक यू रब जी। और ठीक है जी, परसों सवेरे हम सब धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550 साल प्रकाश उत्सव मनाने के लिए अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज की गुरबानी का कीर्तन आयोजन करेंगे। लेकिन कीर्तन की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। ओ यारा तू चिंता ना कर, और रोशन सिंह सोड़ी है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से सारियां तैयारियां कर लेगा। ओ हमने रागी जत्था से ना परसों सवेरे यहाँ कीर्तन करने के लिए बात कर लेते हैं। ओ ठीक है यारो, बाकी सारी तैयारियां मैं कर लांगा। तो फिर डांडा जी तुसी सारे परसों सवेरे ठीक टाइम पे पहुंच जाना, देर ना करना। ओए सोटी भरा, ओ तुसी कहो तो हम लोग यही रुक जाते जाती ठोक के। हमें गुरुद्वारा जाके कीर्तनी जत्थे से बात भी तो करनी है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। चल भाई गुरुद्वारे चल के बुकिंग करिए। हाँ, बल्लू भाई ने ठीक कहा।
गुरु महाराज की कृपा से परसों सवेरे अपने गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज के कीर्तन का आयोजन होगा, भक्ति भाव होगा, ओ यार आनंद आ जाएगा। थैंक यू वाहेगुरु जी। चलो चलो सबको कीर्तन का न्योता दे देते हैं। अभी तो सब अपने अपने काम पे गए होंगे, रात को चल के बोलते हैं। ठीक है सुनिए, रात को चल के बोलते हैं। बोले सोनिहा।